नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज 24 जुलाई 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से दोस्तों एक लेटर अपडेट किया गया है, यानी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण यानी व्यवस्था के संबंध में। ये हालांकि 24 का लेटर है, आज 25 जुलाई को ये सर्कुलेट हुआ है। साथियों, इसमें बताया गया है कि जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 है, इसके लिए जो है ये आमंत्रण की कार्यवाही निम्न अनुसार सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पे दोस्तों कार्रवाई करने के लिए कुछ यहाँ पे नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार से GFS पोर्टल पर रिक्तियाँ प्रदर्शित होंगी। उसके अकॉर्डिंग कंडिका 3.1.2 के उल्लेखित श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ जो विगत वर्षों से, जो पिछले साल का पैनल है, जो विगत वर्षों से कार्य कर रहे हैं वो अतिथि शिक्षकों को वहीं पर रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट होगा, केवल उसी पद से उसकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। इस सारा का सारा सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। सबसे खास दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अतिथि शिक्षकों हेतु आमंत्रण की समय सारणी। यहाँ पर बताया गया है कि रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा 30 जुलाई को। उन जो रिक्तियाँ प्रदर्शित होंगी वहाँ पर ज्वाइनिंग ली जाएगी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और यहाँ पर ज्वाइनिंग दर्ज करना शाला प्रभारी से सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति को भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। साथ ही साथ GFS पोर्टल पर ज्वाइनिंग हेतु अतिथि शिक्षक प्रमाणीकरण 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में होगा, यानी 1 तारीख से जो अतिथि शिक्षक स्कूल ज्वाइन कर पाएंगे। साथियों, ये पूरा का पूरा बताया गया है। और नंबर 2 में बताया गया है कि ऐसे विद्यालय जहाँ नियमित शिक्षक पद स्वाने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, ऐसे विद्यालयों में रिक्तियों के अपडेशन हेतु यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी संकुल प्रचार को। उनकी रिक्वेस्ट का अनुमोदन होगा, इसके बाद वहाँ पर सारी कार्रवाई 8 अगस्त तक यहाँ पर भी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों मेरिट के अनुक्रम में शाला का यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रथमतः पूर्व से निम्नसर कार्यरत अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ये सारा सब कुछ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। महाकौशल क्लासेस आप जो है सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्रति माह की 7 तारीख को अनिवार्यता है जो अतिथि शिक्षकों के मानदेय जो परीक्षण है करके भुगतान किया जाए, ऐसा करके के द्विवेदी ने ये चीज़ भी जो है यहाँ पर बताई गई। तो अतिथि शिक्षकों के फाइनल जो है ज्वाइनिंग के लिए लेटर आ चुका है दोस्तों, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ फाइनली आ चुकी है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें और लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक। धन्यवाद दोस्तों, जो भी अपडेट होगा अगले वीडियो में।